कलेक्टर रवि प्रसाद के जाने के बाद कटनी जिले की वेब पटरी में हुई व्यवस्था, गरीब की थाली से गायब हुई दाल। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों के लिए चलाई जा रही दीनदयाल योजना के द्वारा 5 रुपए में भरपेट खाना किस तरह से खिलाया जा रहा है, ये आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। दीनदयाल रसोई में खाना खाने के लिए जहां लोग पहुंच रहे हैं, वहीं उन्होंने बताया यहां थाली में रायते जैसी दाल परोसी जा रही है। साथ ही सब्जी की बात करें तो उसमें भी सब्जी के तरी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। वहीं अगर बात करें तो पूर्व कलेक्टर रवि प्रसाद के समय की, तो उन्होंने जो अभियान जिले भर में चलाया था कि पहले खाने का स्वाद खुद चखकर देखा जाता था, जो मुहिम उन्होंने चलाई थी उससे जिले भर में शासन द्वारा चलाई जा रही योजना में सुधार जरूर देखने मिला था। लेकिन उनके जिले से जाने के बाद पूरा जिला अपने ढर्रे में जरूर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद यही कारण है कि ईमानदार छवि के अधिकारियों का जल्द ट्रांसफर कर दिया जाता है और अच्छे अधिकारी ज्यादा दिन तक नहीं रुक पाते, क्योंकि उन्हें इस तरह की थाली पसंद नहीं थी जो गरीब को दी जानी है। ये थाली में जो दाल परोस रही है, कभी वह पुराना आरटीओ हुआ करता था, आज दीनदयाल रसोई घर है जहां गरीबों को भरपेट खाना खिलाया जा रहा है। दीनदयाल रसोई में खाना खाने पहुंच रहे गरीबों का इस संबंध में क्या कहना है, आप खुद सुने। क्या इस समस्या को लेकर कटनी कलेक्टर कार्यवाही करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। पीबीसी के लिए कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आप ये जो खाना लेके आते, रोज आते हैं खाना? हाँ। तो क्या सही अच्छा खाना देते हैं लोग? नहीं। कैसा खाना मिल रहा है? बड़ी है तो पानी वाली मिलेगी, दाल है तो पानी वाली मिलेगी। कब से आ रहे हैं यहाँ खाना खाने? मैं तो 6 साल से आ रहा हूँ। तो इसकी शिकायत तुम लोगों ने कहीं की है? नहीं की। किससे करें? किससे करें बताओ? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ रोज खाना खाने आते हैं? बहुत लोग हैं। कितना लगता खाने का? 5 रुपए लेते हैं हम तो, बोले 10 लियो। अच्छा, आप 10 के लिए बोलते हैं। और ये जो रोटी लाए हैं आप, कितने की दिए हैं रोटी? 10 की। सिर्फ रोटी बस? हाँ। कितनी रोटी हैं? 8 रोटी। 8 रोटी है। क्या नाम है तुम्हारा? गोपाल। कहाँ रहते हैं आप? भट्टा मोहल्ला। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।